हमारी इस्लामिक फिलॉसफी आती है, और मैं चाहता हूँ कि दो तीन नाम मैं यहाँ लूँ हमारे लिए समझने के लिए। अबू हनीफा, एज द फाउंडर ऑफ द हनीफा स्कूल ऑफ सुन्नी जूरिस्प्रूडेंस, एडवोकेटेड फॉर द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज विद इन मुस्लिम गवर्न स्टेट्स। ही वॉज नोन फॉर हिज इंक्लूसिव स्टैंड्स आर्ग्यूइंग दैट जिजा, अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, शुड बी लेविड विद फेयरनेस एंड शुड नॉट बी बर्डनसम। उस वक्त ये सवाल था, तो उस वक्त से इंक्लूसिविटी की बात अबू हनीफा के ज़माने से हो रही है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 699-769 BC। अल गजाली, सबने नाम सुना है, बहुत बड़े इस्लामिक फिलोसोफर, एंड ही सेज एम्फसाइज दैट एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ह्यूमंस इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम्स। ही आर्ग्यूड दैट जस्टिस इज अ फंडामेंटल इस्लामिक प्रिंसिपल दैट एक्सटेंड्स टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ। तो हम कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम कहाँ से अपनी नॉलेज ड्रॉ करते हैं, कुरान से, सुन्ना से, फिर हमारे सारे इस्लामिक फिलोसोफर्स ये सारी बातें कर रहे हैं कि इकट्ठे रहना है, नॉन मुस्लिम्स का ख्याल रखना है, प्यार और मोहब्बत से चलना है। सो देयर इज अ होल हिस्ट्री बिहाइंड वेयर वी कमिंग फ्रॉम, और उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। इब्न रुश्द क्या कहते हैं, ये बहुत बड़े मशहूर फिलोसोफर, हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोएग्जिस्टेंस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। He argued for rationalism in interpreting the Quran, suggesting that understanding and tolerance are vital for harmonious society. Baar baar kaha ja raha hai. Rumi, the famous mystic and poet, spoke often of universal love and compassion transcending religious distinctions. His writings suggest a profound respect for all of God's creations, which implicitly include respect for all religious groups. ये तो हो गए हमारे पुराने फिलोसोफर्स जो ये कह रहे हैं, जिनके नाम आपने सुने हैं, लेकिन कुछ में यहाँ यंग लोग भी बैठे हैं, यंग जो एडवोकेट्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, यंग पीपल सिटिंग हियर। आई वांट टू रिकमेंड फ्यू नेम्स दैट दे शुड रीड, दैट जो कंटेम्प्रेरी थॉट है इस्लामिक कंटेम्प्रेरी थॉट दुनिया में, उनके लीडर्स कौन से हैं, थॉट लीडर्स क्या बात कर रहे हैं आज। सबसे पहले मैं नाम लूँगा तारिक रमज़ान का, इज़ अ बिग नेम, अ प्रोमिनेंट स्विस एकेडेमिक, मुस्लिम है, स्विट्जरलैंड में एकेडेमिक है और फिलोसोफर है। रमजान साहब एम्फसाइज करते हैं द नीड फॉर मुस्लिम्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड टू एंगेज इन अ कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक टेक्स्ट। ही एडवोकेट्स अ फुल सिटीजनशिप राइट्स फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ, आर्ग्यूइंग दैट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ भीमी एंड जिजिया, जो पहले जिजिया लिया जाता था, शुड नॉट बी अप्लाइड टूडे। रमजान प्रमोट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम दैट सपोर्ट्स प्लूरलिज्म एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज। उनका एक कोट है जो मैं करना चाहता हूँ, आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ प्लूरिज्म लाइज नॉट इन डिस्कशंस वेयर वी एग्री, बट इन हाउ वी मैनेज आवर डिसएग्रीमेंट्स। आप कैसे डिसएग्री करते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर गवर्नेंस। एंड द लॉ मिनिस्टर इज अगेन हियर एंड आई कीप कमिंग बैक टू यू, इट्स द वे वी डिसएग्री व्हिच शोज आवर कैरेक्टर। ये खाली ये कहना कि प्लूरलिज्म आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये स्पेस लानी पड़ेगी लाने के लिए। द अदर फिलोसोफर कंटेम्प्रेरी दैट आई वुड रिकमेंड एंड प्लीज रीड हिम इज खालिद अबू अल फदल। ये बिल्कुल मॉडर्न है, इज अ प्रोफेसर एट UCLA एंड लीडिंग अथॉरिटी ऑन इस्लामिक लॉ। He says, and he argues against traditionalist views that impose restrictive measures on non-Muslims. He champions a compassionate and morally inclusive interpretation of Sharia that emphasizes justice and human dignity for all. Justice for all, jo humne pehle bhi suna. Al-Fadl criticizes interpretations of Islam that marginalize religious minorities and advocates for equality and justice as the foundations of Islamic governance. Then I want to take you to another thought leader of the world today, and that's Abdullah bin Baya, a scholar from Mauritania. He argues, he has spoken extensively about the need for coexistence, mutual respect between Muslims and non-Muslims, emphasizing that Islamic teachings must promote peace and common ground. Bin Baya's fatwas often reflect pragmatic approach to consider contemporary global context.
And lastly, I want to refer to yet another Egyptian thought leader in Islam, jisko padhe. Uska naam hai Jasir Audha. Audha is a thought leader in the field of Maqasid al-Sharia, the objectives of Islamic law. He argues that the ultimate aims of Sharia are to preserve religion, life, intellect, offspring, and wealth for everyone, including non-Muslims. Audha's approach is to interpret Islamic texts in a way that promotes freedom, equality, and justice for the individuals, thus providing a robust framework for protecting minority rights within Islamic context. Aur main inka bhi ek quotation dena chahta hoon. We need to interpret the texts in the light of the objectives of Sharia, which are to bring mercy to the world and to ensure justice for everyone, including non-Muslims. Now, I think Justice Sayyid Muhammad Anwar, who is here, jinka to Fatwa Shariat Court mein kaam hi is tarah hai ki inhone Islamic interpretation ko dekhna hai. I think you might want to consider one of the contemporary thoughts jo Bhaiya sahab de rahe hain. And lastly, I want to refer to Hamza Yusuf, jinka naam to aapne suna hoga, an American Islamic scholar. And what does he say now? Yusuf emphasizes the importance of understanding Islam within the ethos of time and place. He speaks about the necessity of compassion in governance. And that's what I want to bring in to Mr. The Law Minister is busy. Paraya sahab, aap hame Law Minister ko busy rakha hua hai aapne. Hum usse baat to kar rahe the, hum unko unke liye unko gosht guzar kar rahe hain kuch cheeze. So Hamza Yusuf ko quote karte hue unhone kaha ki the necessity of compassion in governance is very important, because governance without compassion doesn't work. And the protection of all religious communities under Muslim rule, reflecting the Prophet Muhammad, peace be upon him, model of kindness and justice towards non-Muslims. Main ek quote Hamza Yusuf se bhi karna chahunga aapke liye. Living together with respect and tolerance is a must, not a choice. It is an essential part of coexistence, and coexistence is a requirement for human survival. ये बहुत ज़रूरी है. प्लीज़, को एग्जिस्टेंस और टॉलरेंस बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं. हमारे लीगल फ्रेमवर्क में पहले कोर्ट हो गया है. हमारे फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बहुत ज़बरदस्त से बात की है. सईद मोहम्मद अनवर साहब ने पढ़ी. मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट वी मस्ट लिसन टू इट रिपीटेडली. और ये उन्होंने 11 अगस्त 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा. अब इनसे ज़्यादा वर्ड्स हम कहाँ से लाएंगे और कहाँ से गाइडेंस लें हम अपने आगे चलने के लिए. ये बीकन ऑफ लाइट ही है ना सारे जो मैं आपके सामने कहा. ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा पास्ट जो हमें कह रहा है कहाँ जाना है, लेकिन हम जा नहीं रहे वहाँ. सुनिए कायदे आज़म साहब क्या कहते हैं. यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. ये क्या आया हो रहा है ऐसा, ये सोचिए. यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट. दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी आर ऑल सिटीजन्स एंड इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट. ऑल द माइनॉरिटी सिटिंग हेयर आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, सेज द कॉन्स्टिट्यूशन. मैं नहीं कह रहा, आइन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है सब बराबर हैं. पता नहीं क्यों हमने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं. नेशनल फ्रेमवर्क में मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा. मैं ये कहना चाहूँगा बिफोर आई कम टू द फैक्ट कि जुडिशरी ने बहुत एक हमारे आइन की शिकें पढ़ ली गई हैं. मैं आपको उस पर बोर नहीं करूँगा फर्दर. उसमें बहुत रोबस्टली प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा दी गई है कि ख्याल रखें माइनॉरिटीज़ का, ख्याल रखें इनसे टैक्स नहीं लेना अगर वो टैक्स किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ख्याल रखें पब्लिक प्लेसेस में इनका, हर जगह ख्याल रखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कहती है. और मैं ये भी इधर कहना चाहूँगा कि जुडिशरी ने, स्टेट ने भी अपना रोल प्ले किया है, लेकिन स्टेट के अंदर जुडिशरी ने बड़ा रोबस्ट ज्यूरिसप्रूडेंस दिया है. जस्टिस जिलानी साहब यहाँ बैठे हैं, जिनकी जजमेंट से सब आगाज़ होता है और काम शुरू हुआ. उसके बाद हम लोगों ने भी कोशिश की इन्हीं के कदमों में आगे चलने की, और कुछ जजमेंट्स आईं जिनका जिक्र अभी सब ने किया. मैं उसमें ले जाना नहीं चाहता आपको. तो जुडिशरी ने बड़े रोबस्टली इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को कहा कि आए प्रोटेक्ट करें, और ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए और प्रोटेक्शन देनी चाहिए. इस जगह मैं जिक्र करूँगा कि 16 अगस्त को जड़ावाला में भी
कोई 16 चर्च जला दिए गए और कुछ 86 लोगों को सा घर भी डैमेज हुए। और हमारे चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस काजी फैज साहब, जो उस वक्त सीनियर प्यूनी जज थे, ही वेंट टू द लोकेशन एंड ही मेट देम, सबसे मिले और उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है यहाँ जनावाला में। तो आपको बताना चाहते हैं कि जस्ट हमारे जुडिशरी ने कितना रोबस्ट एक एक्शन के फिजिकली, फर्स्ट टाइम आई डोंट नो ऑफ एनी चीफ जस्टिस हु इज एक्चुअली गॉन, ही वॉज देन द सीनियर प्यूनी जज, ही वेंट टू जनावाला एंड ही सॉ द प्लेस एंड ही बैठे बाकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ और उनके साथ उन्होंने बातें की। हम पाकिस्तान ने स्टेट ने कन्वेंशंस भी साइन किए हैं, वी आर सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको ICCPR कहते हैं, 2010 में हमने वो भी ज्वाइन की हुई है, जिसमें भी माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन का राइट है। तो खाली आईन हमें नहीं कह रहा, हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़ एंड दैट वी मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ दैट वी आर गवर्न्ड नॉट ओनली बाय आर विजडम दैट इज़ कमिंग टू अस फ्रॉम द प्रोफेट, इज कमिंग टू अस फ्रॉम आर इस्लामिक फिलोसफर्स, फ्रॉम आर कायद, फ्रॉम आर लेजिस्लेशन, फ्रॉम आर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स दैट वी हैव साइंड। ये सारा फ्रेमवर्क हमें कह रहा है कि ये हमारे बराबर हैं, प्रोटेक्ट देम, एंड वी आर फॉरगेटिंग ऑल दैट एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट। सो इन द एंड आई वुड जस्ट आई डोंट वांट टू कोट द ज्यूरिसप्रूडेंस की तो बात बहुत हो गई है और आई डोंट वांट टू कोट द पैसेजेस फ्रॉम देयर, बट ऑल आई वांट टू से इज दैट इन ऑल दिस जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट लव्स मुझे पसंद है और वो हमारे प्रीएम्बल में है, वो है टॉलरेंस। सो प्लीज़ लेट्स मेक दिस सोसाइटी मोर टॉलरेंट, लेट्स मेक दिस सोसाइटी इंक्लूसिव, आपस में को एग्जिस्टेंस बढ़ाएं, एक दूसरे का व्यू सुनने का पेशेंस रखें, एक दूसरे से मिलें और प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करें, जो हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका।